नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट, मैं आज आपको रोमन संख्यांक का लेखन बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन संख्या में हम किस तरह से लिखते हैं और उसका वाचन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों को इस तरफ लिखा है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक ये बाएं तरफ है और इस दाहिने तरफ मैं रोमन संख्यांकों को लिख रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय में एक इस तरफ से है तो रोमन अंक में देखिए एक को ऐसे खड़ी पाई इस तरह से लिखते हैं, दो देखिए ऐसे दो हो गया, ये तीन हो गया, ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट फाइव लिख के तीन लाइन, एट के बाद नाइन लिखने के लिए आई और एक्स लिखते हैं, आई एक्स नाइन हो गया, और टेन लिखने के लिए इसे हम एक्स अक्षर द्वारा दर्शाते हैं रोमन अंक में। टेन के बाद देखिए यहाँ ट्वेंटी है, डबल एक्स लिखना पड़ेगा हमें, डबल एक्स ट्वेंटी। थर्टी के लिए डबल एक्स 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 थ्री एक्स, थर्टी हो गया। अब 40 लिखने के लिए पहले हमें 50 को लिख लेना है, 50 जो है यल अक्षर द्वारा 50 को दर्शाते हैं, तो 40 लिखने के लिए बच्चों 40 लिखने के लिए एक्स लिखना पड़ेगा और यल लिखना पड़ेगा, अर्थात 50 से 10 कम 40 इस तरह से लिखते हैं, यल अर्थात 50 होता है। 60 के लिए देखिए यल एक्स 60 हो गया, यल डबल एक्स 70 हो गया, यल ट्रिपल एक्स, तीन बार एक्स लिखने पर यल एक्स एक्स ए हो जा रहा है 80 हो जा रहा है, और 90 लिखने के लिए पहले देखिए 100 कैसे लिखते हैं, 100 जो है ये सी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं सी, और 90 लिखने के लिए एक्स सी लिखते हैं, एक्स सी द्वारा 90 अक्षर को दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए सी जो है ये सी अर्थात 100 होता है, 100 होता है, और ये जो 500 है 500 को हम डी अक्षर से दर्शाते हैं रोमन संख्यांक में, डी अर्थात 500, और 1000 एम अर्थात यम अक्षर द्वारा 1000 को 1000 को यम अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक का रोमन संख्या ज्ञान में बच्चों आगे देखिए कि देवनागरी संख्यांक को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में कैसे लिखते हैं। इस संख्या ज्ञान में अर्थात देवनागरी संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में कैसे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ देखिए बाएं तरफ देवनागरी अंकों को लिखा है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों को मैं लिख करके दिखा रहा हूँ कि एक एक अर्थात वन, टू दो इस तरह से होगा, थ्री इस तरह से, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और टेन लिखने के लिए टेन हो गया, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, फिफ्टीन के बाद मैंने यहाँ ट्वेंटी लिखा है, ट्वेंटी लिखने के लिए टू एंड ज़ीरो, थर्टी देखिए कैसे होगा, तीस इस तरह से होगा, चालीस लिखने के लिए फोर ज़ीरो, फिफ्टी देखिए फाइव ज़ीरो,
50 के बाद देखिए 100 कैसे होगा, 1 लिख करके दो जीरो लगाएंगे, या 505 लिख करके 500 लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये देख, सभी को मैं मत्तु केवट, मैं आज आपको संख्या ज्ञान में रोमन संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या में किस तरह से लिखते हैं यह मैं आपको यहाँ लेखन करके बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, बाएं तरफ देखिए यहाँ मैंने रोमन अंकों को लिखा है और इस दाहिने तरफ हमें रोमन संख्याओं का लेखन करना है। तो किस तरह से लेखन करेंगे, जैसे देखिए रोमन अंक है, अब ये क्या दिख रहा है, हमें ये लिखना है बच्चों, ये रोमन अंक ये 5 है, ये 5 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद देखिए 5 के बाद यहाँ दो लाइन है, इसका मतलब ये 7 हो गया। इसके बाद देखिए एक्स है, एक्स अर्थात 10 होता है। उसके बाद देखिए एक्स के बाद तीन लाइन है, 10 और 3 13, 13 हो गया ये। एक्स के बाद देखिए वी और 5 से 1 कम 4 अर्थात ए 14 हो गया। और ये देखिए 10 5 और 1 6, 5 के बाद यहाँ 6 है, ये 16 है, 16 है ये। उसके बाद देखिए 10 है, 5 है, इसके बाद ये तीन लाइनें हैं, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, और 10 5 और 10 10 और ये 5 है, 5 6 7 8 18 हो गया, 18 है ये, 18 हो गया। 18 के बाद देखिए एक्स और आई है, अर्थात 10 से 1 कम, ये 9 हो गया। अब आगे देखिए एक्स आई एक्स, इसका मतलब ये 19 है, 19 हो गया ये। एक्स के बाद दो लाइनें हैं यहाँ पर, ये 10 और 12 हो गया, 12 हो गया। एक्स एक्स अर्थात 20 होता है, ये 20 हो गया, 20 हो गया। यहाँ देखिए ये 5 है और एक कम अर्थात ये 4 हो गया, ये 3x अर्थात 30 हो गया ये। इसके बाद देखिए तीन लाइन यहाँ खींची गई है, इसका अर्थ 3 हो गया, और ये 5 और 1 ये 6 हो गया। इस तरह से बच्चों ये रोमन संख्याओं का लेखन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंकों में किया गया है, और इसे हमें ध्यान से समझना है, समझ करके इन संख्याओं का हमें क्या करना है, लेखन करना है। इसके बाद देखिए बच्चों रोमन संख्याओं का उपयोग करके हमें संख्याओं को लिखना है। देवनागरी अंतर्राष्ट्रीय अंक है और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को हमें रोमन अंकों में लिखना है, तो किस तरह से हम लिखेंगे, देखिए यहाँ 9 है, 9 हम किस तरह से लिखेंगे रोमन अंक में, एक्स और आई, आई एक्स अर्थात 9 हो गया। ये 2 है, 2 को कैसे लिखेंगे, 2 हो गया। 17 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक्स लिख लेंगे, 10 हो गया, और ये 5 हो गया, 15 हो गया, ये 16 और ये 17, इस तरह से 17 हो गया। 4 लिखने के लिए पहले हमें 5 लिखना होगा, 5 के से 1 कम अर्थात 4 हो गया। 11 लिखने के लिए 10 लिख करके 1, 11 11 हो गया। 18 लिखने के लिए 10, 10 और ये 5 15, उसके बाद 16 17 ये 18 हो गया। इसके बाद 6 लिखना है, 6 लिखने के लिए 5 5 और ये 1 6 हो गया। 16 है, 10 5 15 हो गया, उसके बाद एक और पाई के लिए 16 हो जाएगा। 3 लिखने के लिए 1 2 3 हो गया। 10 लिखना है, एक्स अर्थात 10 होता है। 20 अर्थात 20 हो गया, ए हो गया 20। 20 के बाद देखिए 30 है, 30 अर्थात एक्स 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 30 हो गया। 40 लिखने के लिए एक्स और एल लिखना पड़ेगा, 40। इसके बाद 50 अर्थात एल,
50 के बाद 60 देखिए, एल एक्स 60 हो जा रहा है। 60 के बाद 100 लिखना हमें, 100 जो है ये सी अक्षर से दर्शाते हैं, 100 हो गया सी। 500 को हम यहाँ डी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं,